नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीटिंग शो में। और मैं आज लेके आया हूँ नई रेसिपी, और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नई रेसिपी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्कार। और आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो है होममेड छोले भटूरे की। और आइए दिखाते हैं आपको। ये हमारे हैं छोले भटूरे, होममेड हैं ये भटूरे हैं हमारे। और ये छोले हैं भिंडी छोले, इसको सर्व किया गया है आलू, इसको सर्व किया गया है प्याज के साथ। और ये है हरी मिर्च और अचार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं, गर्म है थोड़े। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, जैसे हम मार्केट में ख़रीदते हैं, बट अभी ये घर में बनाए गए हैं तो इसका टेस्ट अलग आ रहा है। काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। और अभी वैसे भी मना हुआ है बाहर जाने के लिए, बाहर का खाने के लिए मना किया गया है, बिकॉज़ अभी कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट है, तो इसलिए घर में ही बना के खा रहे हैं। और काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। और ये हरी मिर्च है, इसको हमने बनाया है, फ्राई किया है हल्का सा, इसके अंदर हमने फिलिंग कर रखी थी नमक और आमचूर की। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आप भी चाहें तो इसे टेस्ट कर सकते हैं, इसको यूज़ बना सकते हैं घर पे, बिकॉज़ अभी जैसे चल रहा है इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसके लिए है कि आप घर में ही रहें, सेफ़ रहें, और घर में ही चीज़ें हैं जो बनी हैं वही खाएं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाली थी छोले भटूरे की थी, लेकिन वो वीडियो थी, वो हमने बाहर से मंगाया था, उसकी वीडियो अपलोड करी थी। और ये इस बार घर पे बनाया है, ये मैंने अपलोड करा है। तो दोनों का जो टेस्ट है थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बट हाँ अगर हेल्दी हाइजीनिक अगर आप देखें तो घर का ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। और मैं भी प्रेफर करता हूँ कि घर में ही बना जो खाना हो वो ही खाया जाए। और मैं काफ़ी समय से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, थोड़ा वर्क प्रेशर था, इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट अभी टाइम है, मेरे पास काफ़ी टाइम है अभी, तो इसलिए अब वीडियो अपलोड करी जाएगी और फ्रीक्वेंटली करी जाएंगी अब वीडियो अपलोड। तो चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है नीचे घंटी बनी होगी उसको ज़रूर प्रेस करें। और इससे क्या होगा कि आपको जो भी मेरी नई वीडियो होगी आने वाली वो सबसे पहले आपको मिलेगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी जिस जैसे हालात हैं उसमें आप घर में रहें, सेफ़ रहें।
और ये जो अचार है ये लाइक आम का है, गाजर का है। अगर आप घर पे बनाते हैं तो इसको आप सर्व करिए, अचार के साथ सर्व करिएगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उसका भी, और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। और देखिए ऑलमोस्ट मैं फिनिश कर चुका हूँ, ये काफ़ी अच्छा टेस्ट था और काफ़ी अच्छा लगा खाने पे, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था इसका, छोले और भटूरे का। और जो छोले हैं, छोले भी काफ़ी टेस्टी बने हैं, लाइक जैसे पिंडी छोले होते हैं जो, वो है वो बनाए गए, उसके साथ सर्व किया था मैंने ये भटूरे को, और काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। और जो पिंडी छोले होते हैं इसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो जो लोग हैं चाहते हैं कि कम ऑयल में खाएं तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं, ये छोले बना सकते हैं इसको। अगर आप चाहें तो नॉर्मल रोटी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं, बट हाँ अगर भटूरे हों तो क्या बात, अलग ही बात होती है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है भटूरे के साथ। और दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद, और सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें, और ये जो मेरा खाना है फिनिश हो गया, छोले भी फिनिश हो चुके हैं, तो अगली वीडियो तक नमस्कार।